राजस्थान में अभी ईडी का दौर चल रहा है। आचार संहिता लगने के बाद इलेक्शन कमीशन का इकबाल बुलंद होना चाहिए, लेकिन फिलहाल राजस्थान में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का माहौल बना हुआ है। बता दें, पिछले 3 महीनों में ईडी यहाँ 14 बार दस्तक दे चुकी है। ईडी पेपर लीक मामले में 6 बार, डुइट मामले में 4 बार, जल जीवन मिशन में 3 बार और मंत्री राजेंद्र यादव के यहाँ 1 बार पहुंच चुकी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में मंथन भी शुरू हो गया है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेते हुए राजस्थान में 5 IPS समेत 1 IS अधिकारी का ट्रांसफर किया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी दिनेश कोडनिया पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है और साथ ही RPSC में बाबूलाल कटारा की नियुक्ति मामले पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अब की बार ईडी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और कांग्रेस नेता दिनेश कोडनिया के ठिकानों पर पहुंची है। पिछले 3 दशकों से कोडनिया मुख्यमंत्री के करीबी है। वो 2 बार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें वागड़ जिले के बड़े भामाशाह के तौर पर भी जाना जाता है। बता दें, दिनेश कोडनिया को छोटा गांधी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि पेशे से कोडनिया की एक ज्वेलरी की दुकान है, जिसके साथ ही वो फर्नीचर का भी बिजनेस करते हैं। जिस तरह ईडी ने छापेमारी की है, उससे लगता है कि कोडनिया ईडी को हॉलीवुड फिल्म मेघनाथ गोल्ड के पात्र लग रहे हैं। मेघनाथ गोल्ड 1959 की एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म है, जिसमें कुछ लोग सोने का खजाना ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पूरी एक खदान मिल जाती है। ईडी को ऐसी ही एक खदान कोडनिया के रूप में मिल गई है। जैसा कि बचपन की कहानियों में शेर आया का हवा बना दिया जाता था, उसी तरह राजस्थान में भी ईडी का हवा बनाया जा रहा है। ईडी की राजस्थान में लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जब बीजेपी की किसी से सांठगांठ नहीं हो पाती, तब ईडी की एंट्री करवाई जाती है। लेकिन बाकी राज्यों की तरह राजस्थान में भी ईडी का इतना असर नहीं हो रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।